गाइस मैं ओपन कर चुका हूँ गैलरी से इस बैकग्राउंड को और सिंपली आपको नीचे में शेयर और सैंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे प्रेस करके सिंपली इसे पिक्सआर्ट ऐप पे सैंड कर देना है, जिससे ऑटोमेटिकली पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद गाइस सबसे पहले आपको प्लस आइकन को प्रेस करके एडिट को प्रेस करना है और बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो ये ऐड हो गई, तो सबसे पहले आपको ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड इस फोटो को ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेना है इस तरह, और इस तरह आपको साइड कर लेना है, मतलब छोटा कर लेना है इस तरह, और इरेजर को प्रेस करेंगे और इसकी सेटिंग को कुछ इस तरीके से पहले सेट कर लेते हैं और इस तरह इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया इरेज, और बिल्कुल आपको इस तरह सेट कर लेनी है जिससे आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगी। एंड इतना करने के बाद इसे मैं डन कर दूंगा, और डन करने के बाद जैसे आ जाते हैं टूल्स पे और टिल्ड शिफ्ट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे एंड इसमें आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, मतलब सिंपली से नीचे पे ले आना छोटा करके, जिससे नीचे वाला ब्लर नहीं होगा और ऊपर जो है पीछे वाली बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको इस तरह सेट कर लेनी है एंड जो ब्लर की ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लेना, मैक्सिमम 8 या 10 पे रखना। सो ये इतना करने के बाद हमारी बैकग्राउंड रेडी हो चुकी है अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया। और चलिए अब अपना मॉडल को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड को प्रेस करना है और अपना मॉडल को ऐड कर लेना है, और उसके बाद गाइस इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इसकी बैकग्राउंड को मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। तो इसका भी सेटिंग को चेंज कर लेना, मतलब हार्डनेस को बढ़ा लेना और उसके बाद इरेज करना। तो इस फाइनली बैकग्राउंड इरेज हो चुकी है एंड इसे मैं सेंटर पे रखूँगा, मतलब इस तरह सेट कर लूँगा, और सेट करने के बाद इरेजर को प्रेस करेंगे एंड इरेजर को सेटिंग को चेंज कर लेना, और उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से इरेज कर लेनी है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर इरेज करनी है। एंड अगर मैं इरेजर की सेटिंग को चेंज कर लूँगा, मतलब हार्डनेस को इनक्रीज करके साइज को छोटा कर लेंगे, और इसमें भी आपको इस तरह अच्छे से यहाँ इरेज करना है। तो ये परफेक्टली हो चुकी है इरेज एंड अब अच्छी दिख रही है। देन हमको प्लस आइकन को प्रेस करके ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको ब्लेंड वाले ऑप्शन को प्रेस करके मल्टीप्लाई मोड करना है, और इसको भी आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेनी है। तो बिल्कुल आपको भी इस तरह सेट करना है एंड इरेजर को प्रेस करेंगे और इस तरह से इसे इरेज कर लेंगे। तो इसकी भी सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ। ओके देन इसे मैं कर दूंगा डन, और इसे अच्छे से सेट करके इसे अगेन डन कर देना। सो गाइस अब आपको टूल्स को प्रेस करके क्रॉप को प्रेस करना है, मतलब क्रॉप को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद इस तरह मैं इसे क्रॉप कर लूँगा। तो ये हो गया क्रॉप, और अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड इस पीएनजी को ऐड करके इसे स्क्रीन मोड कर दूंगा ब्लेंड पे आके एंड इस तरह इसे मैं सेट कर लूँगा। और सेट करने के बाद इसकी ओपोजिट को जरूर कम कर लेना, मतलब इसे थोड़ा सा कम कर लेना। तो ये हो गया, तो इस समय डन कर दूंगा, और डन करने के बाद अब आ जाएंगे ब्यूटीफाई वाली ऑप्शन में एंड इसमें स्मूथ को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी, बट मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा तो ये बेटर रहेगी। देन इसे मैं कर दूंगा डन, एंड डन करने के बाद गाइस अब आ जाएंगे अगेन ऐड फोटो पे एंड इस पीएनजी को ऐड करके ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देंगे और एडजस्ट को प्रेस करना एंड सैचुरेशन को पूरा कम कर लेना, जिससे ये वाइट हो जाएगी तो ये वाटर स्प्लैश टाइप से दिखेगी। तो इसे मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा, मतलब नीचे पे, और इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना एंड अच्छे से यहाँ सेट कर लेना, और उसके बाद गाइस इसे डन कर देना। देन हमको आ जाना है ड्रॉ वाली ऑप्शन में एंड यहाँ अपने फोटो को सिंपली सेव कर लेनी है। तो ये हो गया सेव। तो चलिए अब करेंगे कलर करेक्शन एंड लाइट करेक्शन। तो लाइट रूम आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद मैं अपने फोटो को ऐड कर चुका हूँ एंड सबसे पहले हम इस ऑप्शन में आके सिंपली एक्सपोजर को माइनस पर रखेंगे एंड शेडोज को इंक्रीज करके ब्लैक्स को भी इंक्रीज कर लेना एंड वाइट को देख लेते हैं। तो इसे मैं माइनस पर रखूँगा और हाईलाइट को भी माइनस पर रखूँगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। सो इतना करने के बाद कैसे इस ऑप्शन में आके आपको शार्पनिंग को इंक्रीज़ कर लेनी है एंड नॉइज़ रिडक्शन को भी इंक्रीज़ कर लेंगे, और उसके ऊपर वाले ऑप्शन को प्रेस करके क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे एंड डीएच को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और विगनेट को माइनस कर लेता हूँ। तो ये ज़्यादा हो गया, बट मैं इसे इतना पे रखूँगा, मतलब -27 पे, एंड क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो ये परफेक्ट है। देन इसके ऊपर वाले ऑप्शन में आके सिंपली आपको टैम को माइनस पे रख लेनी है। तो
ये आप अपने हिसाब से रख लेना। अगर प्लस पे रखोगे तो वार्म दिखेगी, मतलब वार्म इफेक्ट दिखेगी, या माइनस पे रखोगे तो कूल इफेक्ट दिखेगी। एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हूँ। और उसके बाद मिक्स टैब को ओपन करेंगे, और मिक्स टैब को ओपन करने के बाद ऑरेंज कलर को देंगे डायरेक्टली, और सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लूँगा और लुमिनस को इंक्रीज कर लूँगा। एंड रेड कलर पर आके सेचुरेशन को कम कर लेंगे, एंड येलो कलर में सेचुरेशन को इंक्रीज करके व्यू को माइनस पे रख लेता हूँ। बट ये नहीं करना था, बट मैं कर दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखा मेरे को। और उसके बाद ब्लू कलर पे आ जाएंगे, एंड इसमें मैं व्यू को माइनस पे रखूँगा, आप अपने हिसाब से रख लेना। एंड इसके बाद गाइस मैं इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा एंड लुमिनस को इंक्रीज कर लूँगा। तो ये परफेक्ट है, देन इसे मैं डन कर दूँगा। एंड इसकी मैं क्लैरिटी एंड डी एस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, तो ये परफेक्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में। तो चलिए अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। सो इस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।